दोस्तों, जब हम युद्ध के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में बड़े टैंक, फाइटर जेट्स और बमबारी करने वाले विमान आते हैं। लेकिन आज के समय में युद्ध की रणनीतियों में एक नई और बेहद खतरनाक तकनीक ने प्रवेश कर लिया है, जिसे ड्रोन तकनीक कहते हैं। खासकर समुद्र में चलने वाले कामिकाजी बोट्स, जिनका कोई जवाब फिलहाल रूस के पास नहीं है। इन बोट्स ने रूस को सकते में डाल दिया है। आइए आज हम आपको बताएंगे कि ये कामिकाजी बोट्स कैसे काम करती हैं और क्यों रूस इन्हें लेकर इतना डर रहा है। साथ ही आपको ताजा खबरें भी देंगे जो इन बोट्स के कारण रूस में भूकंप मचा रही हैं। यूक्रेन और रूस के बीच का युद्ध अब और भी घातक मोड़ ले चुका है। यूक्रेन की ये कामिकाजी बोट्स रूस के लिए एक बड़ी चुनौती बन गई है, क्योंकि इनके खिलाफ कोई कारगर रक्षा प्रणाली अभी तक विकसित नहीं हो पाई है। ये बोट्स बिना किसी इंसानी चालक के समुद्र में तैनात की जाती है, और जब यह अपने मिशन पर निकलती है तो रूस के किसी न किसी ढांचे का अंत नजदीक होता है। कुछ हफ्ते पहले 17 जुलाई को रूस का क्राइमियन ब्रिज यूक्रेन के इन कामिकाजी बोट्स का शिकार बना था। इस पुल को दूसरा बड़ा झटका तब लगा जब दो बड़े विस्फोटों ने इसे बुरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया। इससे पहले अक्टूबर 2022 में भी इस पुल पर हमला हुआ था। यह पुल रूस की 2014 में की गई क्रीमिया पर कब्जे की याद दिलाता है, और इसलिए यूक्रेन के लिए इसे निशाना बनाना कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। यूक्रेन की घातक ड्रोन बोट्स। यूक्रेन के ये कामिकाजी बोट्स समुद्री युद्ध के लिए एक बेहद कारगर हथियार साबित हो रही है। यूक्रेन की इस नई तकनीक पर न केवल रूस की नजर है, बल्कि पूरी दुनिया इसे देख रही है। यूक्रेन के डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन मंत्री मिखाइलो फेडोरोव ने बताया था कि इन नौसेना ड्रोन बोट्स को यूक्रेन की सबसे महत्वपूर्ण प्रणालियों में से एक माना जा रहा है। आइए अब जानते हैं कि यूक्रेन के पास कौन कौन सी घातक ड्रोन बोट्स हैं। पहली पीढ़ी की स्ट्राइक ड्रोन, यह यूक्रेन की पहली कामिकाजी ड्रोन बोट थी, जिसे प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट के रूप में विकसित किया गया था। ये बोट्स छोटी, तेज और उच्च गति पर चलने वाली होती हैं। इन्हें कनाडा की कंपनी सीडू के GTX या फिश प्रो जेट स्की के आधार पर बनाया गया है। इन बोट्स में 440 पाउंड तक विस्फोटक लगाया जा सकता है, जो अपने लक्ष्य से टकराते ही विस्फोट कर देता है। ये ड्रोन बोट्स इतनी तेज होती हैं कि ये 70 मील प्रति घंटे की रफ्तार से 500 मील की दूरी तय कर सकती है। इन्हें स्टारलिंक नेविगेशन सिस्टम और कैमरों के जरिए कंट्रोल किया जाता है, जिससे इन्हें रिमोट से ऑपरेट करना आसान होता है। टोलोकाटीके 150 अंडरवाटर ड्रोन। टोलोकाटीके 150 एक अंडरवाटर कामिकाजी ड्रोन है, जो पानी के नीचे रहकर अपने लक्ष्य को तबाह करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसे यूक्रेनी कंपनी ब्रेव वन ने विकसित किया है। यह ड्रोन सतह के ठीक नीचे तैरता है और इसका संचार सिस्टम पानी के ऊपर रहता है, ताकि यह रडार से बच सके। यह ड्रोन 62 मील की दूरी तक तैर सकता है और इसमें 110 पाउंड विस्फोटक लोड किया जा सकता है। ड्रोन तकनीक का भविष्य। ड्रोन तकनीक का उपयोग केवल समुद्री युद्ध तक सीमित नहीं रहेगा। आने वाले समय में इसका इस्तेमाल हर तरह की सैन्य और असैन्य गतिविधियों में होने लगेगा। ड्रोन बोट्स की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह कम लागत पर तैयार हो सकती है, और इनके इस्तेमाल से जान माल का नुकसान कम होता है। दोस्तों, यूक्रेन और रूस के इस युद्ध में ड्रोन बोट्स का इस्तेमाल एक बड़ा गेम चेंजर साबित हो रहा है। यूक्रेन की ये कामिकाजी बोट्स रूस को हर दिन नए चैलेंज दे रही हैं। हालांकि यह तकनीक युद्ध का नया चेहरा बन गई है, और आने वाले समय में यह और भी उन्नत होगी। ऐसे ही और भी अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें।